Hey guys, welcome to YouTube. Today I will show you how to run C or C++ program in Android. That program will run in offline. So let's start our video. So, सबसे पहले आप अपने Play Store में आएंगे. Play Store में आते हैं. उसके बाद आपको सर्च करना है CXX. ये सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट रिजल्ट दिखेगा CXX C++ मोबाइल डेवलपमेंट. ये देख सकते हैं. ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है. ये IIEC पब्लिशर का है. इधर सकते हैं ओपन का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है. तो इसको हम सिंपल ओपन करेंगे. ये आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद ये ऐड दिखा रहा है. इसको कट करें. ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये टेक्स्ट एडिटर है. तो इस टेक्स्ट एडिटर में हम अपना कोड लिख सकते हैं. यहाँ इधर ऑप्शन में देखेंगे. ऑप्शन यहाँ पर है. ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं आपको इंटरप्रेटर का ऑप्शन है, टर्मिनल का है और सैंपल्स का है. तो सैंपल्स पर हम क्लिक करते हैं. तो सैंपल्स में आप देख सकते हैं सी बेसिक्स, सी प्लस प्लस बेसिक्स और ये प्रोग्राम के सैंपल आपको दिए गए हैं. देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट इनपुट, मैथ ऑपरेशंस, ये सब आपको दिए गए हैं. तो आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिख के रन करा सकते हैं. रन लिखने के बाद यहाँ अपना प्रोग्राम आप यहाँ पर ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा. अगर आप अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो सिंपल आप प्रोग्राम यहाँ लिखने के बाद इस बटन फोल्डर वाले बटन पर क्लिक करेंगे. देख सकते हैं यहाँ न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और क्लोज का ऑप्शन है. तो आप सेव पर क्लिक करेंगे. सेव पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लास्ट ओपेंड और इंटरनल स्टोरेज. आपका जो भी स्टोरेज है वहाँ पर जाके आप सेव कर सकते हैं. और डॉट सी नेम से या जो एक्सटेंशन नेम से आप सेव करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं. तो चलिए एक हम टेस्ट करके देखते हैं प्रोग्राम. तो ये प्रोग्राम है, इसको हम रन कराते हैं. ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, देख सकते हैं. इसको रन कराने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है. ये देख सकते हैं ये बटन, इस पर क्लिक करना है. ये क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हेलो कॉमा वर्ल्ड आ चुका है. तो इस तरह आप अपने कोड को आसानी से रन करा सकते हैं और रन कराने के बाद आप सेव भी कर सकते हैं. तो इस तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को आसानी से रन करा सकते हैं, वो भी ऑफलाइन में. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें. थैंक यू.